डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 8 के लिए 7 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल लें, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हो, रेलवे एग्ज़ाम के लिए हो, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए हो, डिस्काउंट का क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में बना सकते हैं। ऐसे डिस्काउंट का क्वेश्चंस और डिस्काउंट का फॉर्मेशंस हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज सक्सेसिव डिस्काउंट पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और देख सकें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में क्या है। सपोज अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन एन आर्टिकल। सपोज कर लीजिए इसका क्या मीनिंग है। देन ऑन द रिड्यूस प्राइस ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन। इसका ये मीनिंग हुआ, मींस हम ओवरऑल बोल सकते हैं, वी से डैट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15% आर गिवेन। मीन्स यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे फर्स्ट में दिया गया 25% डिस्काउंट दिया गया, फिर रिड्यूस कर दिया गया और फिर से डिस्काउंट दिया गया 50%, इसी को आप सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जान सकते हैं डिस्टूडेंट। तो यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट आपको क्लियर हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो को कम्प्लीट। तो अब इसमें हम आपको क्वेश्चंस के फॉर्म से बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस कैसे रहेगा, तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे रहेगा। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखें। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। यहाँ समझेंगे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है और टू सक्सेसिव डिस्काउंट आपके क्वेश्चंस में गिवन है। अब यहाँ डिस्काउंट के बारे में, जैसे कि डियर स्टूडेंट आप क्या जानते हैं, हम नोट में ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं कि डिस्काउंट जो भी होता है वो मार्क प्राइस भी दिया जाता है। डिस्काउंट इज गिवन बाई ऑन मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट हमेशा गिवन होता है या डिसाइड किया जाता है। यहाँ मार्क प्राइस आपके पास है नहीं, क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। यहाँ मार्क प्राइस को, आर्टिकल के मार्क प्राइस को 100 रुपीज मान लिए डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, देन फर्स्ट डिस्काउंट जो आपको दिया गया है, फर्स्ट डिस्काउंट ऑन इट वो कितना का दिया गया है, 20% का। तो 20% अगर फर्स्ट डिस्काउंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 20% ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस आपका 100 है, इसी से 100 से 100 कट गया, मीन्स 20 रुपी का डिस्काउंट हो गया। क्लियरली है डिफरेंट, जब 20 रुपी का डिस्काउंट यहाँ हो गया तब वो उस आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया, मीन्स अब क्या यहाँ पे आप लिखेंगे, प्राइस आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट। तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना हो गया, 100 माइनस 20 मीन्स आपका 80 रुपी हो गया। फर्स्ट प्राइस के बाद इसका आपका प्राइस ये हो गया, उस आर्टिकल का जो प्राइस हो गया वो 80 रुपीज हो गया। अब सेकंड डिस्काउंट जो दिया जाएगा आपको 10% का, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो सेकंड डिस्काउंट जो 10% के दिया का जो दिया जाएगा वो इसकी इस पर दिया जाएगा, मीन्स अब उसका मार्केट प्राइस ही ना हो गया। तब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेकंड डिस्काउंट ऑन इट, मीन्स 10% ऑफ 80।
ये मार्क प्राइस है, 10% ऑफ 80 का मीनिंग कितना हो गया, 8 हो गया रुपीज 8। मीन सेकेंड डिस्काउंट में आपको 8 रुपीज का डिस्काउंट कर दिया गया। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं प्राइस आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट, वो कितना हो जाएगा 80 माइनस 8 रुपीज, इट मीन्स डैट 70 रुपीज हो गया, सॉरी 72 रुपीज हो गया। केयरफुली आप डिस्काउंट देख रहे हैं, और ये 72 रुपीज क्या है, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका, या इसको आप लिख सकते हैं नेट सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस, मीन्स सेलिंग प्राइस अब आपका आ गया कितना 72 रुपीज। केयरफुली देखेंगे डिस्काउंट, अब जब आ गया तो अब इसी से आपको आंसर निकाल देना है। अब इसी को आप परसेंटेज से कंपेयर कर दें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, सिंगल डिस्काउंट का क्या मीनिंग है, तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स 100 माइनस 72, और इसको डायरेक्ट परसेंट में आप कर सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा कितना 28%, और यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का ये जो हम आपको फॉर्मेट बताए हैं डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको केयरफुली देखें और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आर एस सरवाल का बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, आर डी शर्मा का बुक हो, या फिर सेलिना का बुक है जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, सबके लिए ही सेम ही फॉर्मेट होगा और सबके लिए ही यूजफुल होगा। तो इस तरह का कंडीशंस रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, हेडिंग देखेंगे डियर स्टूडेंट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैट, और ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशंस को समझेंगे, क्या डिफिनेशंस है। दिस डेज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड द टैक्स, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडेड द टैक्स इज कॉल्ड वैट। किसी भी आर्टिकल पे जो टैक्स इंक्लूड कर लिया जाता है वो वैट कहलाता है। डिफरेंट आइटम कैरी करता है, डिफरेंट आइटम कैरी एट वैट एट डिफरेंट रेट, हर एक आर्टिकल का अलग अलग वैट होता है और वो डिफरेंट रेट पे डिपेंड होता है डियर स्टूडेंट। तो आप इजी वे में वैट के डिफिनेशंस को समझ गए, अब वैट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, उससे पहले हम आपको एक डिस्कस करके बताना चाहेंगे सेल टैक्स, सेल्स टैक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी बोलेंगे। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे हम बात करें सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों को समझेंगे कैसे ये समझने वाली बात है। वैल्यू एडेड टैक्स सेल टैक्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ है, इसको वैट भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को थोड़ा समझना है डियर स्टूडेंट, कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सेल टैक्स का डिफिनेशन क्या है समझें, सेल टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर, मीन्स सेल टैक्स शॉपकीपर लेता है, चार्ज लेता है या फिर लगाया जाता है कस्टमर पे, फ्रॉम द कस्टमर से लिया जाता है, कब, ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम को सेलिंग करते समय, सेलिंग जो हम करते हैं सेलिंग के बाद उससे जो बिल लेते हैं, उस बिल पे जो हम टैक्स लेते हैं, कौन लेता है, शॉपकीपर लेता है कस्टमर से, वही उसका जो होता है सेल टैक्स होता है। मीन्स क्या करता है, जो उसका रियल प्राइस है उस रियल प्राइस में एक्ट टैक्स को ऐड कर लेता है, और देन उसके बाद वो बिल देता है। जैसे एग्जांपल लें डियर स्टूडेंट, कि आप लोग बिग बाजार गए होंगे या कोई बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि जो आइटम खरीदें उस आइटम पे कुछ शॉपकीपर जो है वो कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा प्राइस लेता है टैक्स के फॉर्म में। जैसे करंटली में अभी जीएसटी भी है, जो आपको हम कोशिश करेंगे कि जीएसटी के बारे में भी डिस्कस करें अगले वीडियो में, तो जीएसटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टैक्स है,
ये टैक्स क्या किया गया, उस पे टैक्स का चार्जेज जो है उसका जो नेट प्राइस था, जो रियल प्राइस था, उस रियल प्राइस में इंक्लूड करके और तब बिल बनाया गया और वहीं आपका सेल टैक्स कहलाया। जनरली जो सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स इज पेड अ स्टेट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और ये जनरली शॉपकीपर तो कस्टमर से लेते हैं, लेकिन शॉपकीपर या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये सेल टैक्स ये है, इसका मीनिंग यही है। और सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स बोथ आर सेम ही है डियर स्टूडेंट, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग के फॉर्म में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं इस वैल्यू एडेड टैक्स से और सेल टैक्स का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके पास कैसे रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपका है, द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एट अ शोरूम वाज 36,500 रुपीज, द सेल टैक्स चार्ज वाज 8%, फाइंड द बिल अमाउंट। मीन्स यहाँ आप केयरफुली जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक शोरूम में टीवी का प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है 36,500 और इस पे 8% का लिया गया सेल चार्ज, सेल टैक्स का चार्ज लिया गया 8%, तो बिल अमाउंट कितना होगा ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट। हम बिल्कुल इजी में दिखाने का कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले लिख दें कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, टीवी सेट का कितना प्राइस है 36,500। अब सेल टैक्स इस पे कितना लिया गया 8%, तो 8% इस कॉस्ट प्राइस पे ही लिया जाएगा ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे 8% ऑफ 36,500, इट मीन्स 8/100 इंटू 36,500, 00 कट गया और 8 × 365, और ये आपका कितना रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2920 रुपीज, मीन्स 2920 रुपीज इस सेल टैक्स का अमाउंट बनेगा, सेल टैक्स चार्ज लिया गया। अब आपका बिल अमाउंट क्या होगा, देयरफॉर बिल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टीवी सेट प्लस सेल टैक्स, दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल अमाउंट आ गया, मीन्स कितना हो गया 36,500 प्लस 2920 और ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा 239,420 रुपीज आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में और इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन देना है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैट। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा डियर स्टूडेंट आपका, तन्वी बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 9080 इंक्लूडिंग वैट एट 10%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। मीन्स तन्वी एक वॉच खरीदती है और उस पर 10% उससे वैट लिया जाता है, मीन्स 10% का वैट है, सॉरी 10% वैट है, तो उस वॉच का ओरिजिनल प्राइस क्या है। ये क्वेश्चन पे यहाँ इंक्लूडिंग वैट का प्राइस है 9080, इसलिए आपको निकालना क्या है कि वॉच का ओरिजिनल प्राइस क्या है। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में क्या करेंगे कि वॉच का जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हम एक्स रुपीज़ मान लिए डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, जब एक्स रुपीज़ मान लिए तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस पे वैट कितना का है, वैट इक्वल टू दिया गया है 10%, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस मीन्स एक्स, मीन्स ये कितना हो गया 10/100 इंटू एक्स, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1x/10 या x/10 रुपीज आपका क्या गया, वैट आ गया। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन क्या है, प्राइस
इंक्लूडिंग वैट। द प्राइस इंक्लूडिंग वैट का मीन्स क्या, मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस था और जो वैट आया, ये दोनों मिल करके शॉपकीपर उससे लिया था 90/80। मीन्स एक्स प्लस वैट कितना हो गया, एक्स बाई 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे 10x प्लस एक्स बाई 10 मीन्स 11x बाई 10, और ये हो गया आपका 90/80। कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, इसका कंपेयरिंग हो जाएगा मीन्स 11x इक्वल टू 90/80 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 90/80 इंटू 10 बाई 11, और ये क्या हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स, मीन्स 180 इंटू 10, और ये आ जाएगा रुपीज आपका 1800 एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू क्या है, मीन्स ओरिजिनल प्राइस जो हुआ आपका वो कितना हो गया, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रुपीज 1800, और यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ पा रहे हैं, हम और भी एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वैट का भी परसेंट निकाला जाए कि वैट का परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। ओवरऑल आपको फॉर्मेट समझ में आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। अ कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज 26,880 इंक्लूसिव ऑफ वैट, वैट के साथ उस कलर टीवी का प्राइस लिया गया 26,880 में अवेलेबल है। इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी, ओरिजिनल कॉस्ट टीवी का कितना है 24,000, तो आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ वैट क्या है, ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ वैट निकालना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बिल्कुल इजी वे में करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ वैट, लेट द रेट ऑफ वैट बी एक्स परसेंट, इसको एक्स परसेंट बना दिए, देन क्या लिखना पड़ेगा, आपको पता है कि जो वैट दिया जाता है वो वैट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस में, मीन्स क्या लिखेंगे, एक्स परसेंट ऑफ, एक्स परसेंट ऑफ 24,000, ये कितना हो जाएगा, एक्स परसेंट है ऐसे लिखते हैं x परसेंट ऑफ 24,000, आप प्लस इसमें ऐड किया जाता है तो इंक्लूडिंग वैट हो जाता है, मीन्स 24,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26,880, मीन्स आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि वैट डिपेंड है कॉस्ट प्राइस पे, तो आप क्या लिखेंगे, x परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, और दोनों को फिर प्लस करते हैं तो हम लोग का जो इंक्लूसिव रेट होता है वो होता है, तो ये वैट प्लस ओरिजिनल प्राइस है, वैट प्लस ओरिजिनल प्राइस, तब क्या हो जाता है, इसको मिला करके इंक्लूसिव प्राइस लिया जाता है या इंक्लूसिव प्राइस पे अवेलेबल रहता है, आप जैसे कि समझ पा रहे हैं। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है, आप क्या लिखेंगे, x परसेंट ऑफ 24,000, अब यहाँ ये प्लस है, इसके साथ ही माइनस हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, 26,880 मीन्स माइनस 24,000, और ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 2,880 रुपीज, और ये कितना है, 0,0 कट गया, 240x इक्वल टू 2,880 मीन्स x इक्वल टू 2,880 बाई
240, 0 0 कट गया, 24 से इसको कैंसिल करना है, और 24 से इसको कैंसिल करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, और रेट ऑफ जो भैट हो जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ भैट हो जाएगा आपका 12%, और यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए क्या करें, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं आपको इस तरह का इजी कंसेप्ट से क्वेश्चंस को डालूं, इजी टॉपिक का, तो आप तक पहुंच सके और आप उसको देखकर अच्छे से समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।